टर्मिनेशन लेटर्स तुम तीनों का। भरोसा छूटे तो आदमी टूट जाता है, और आदमी टूटे तो भरोसा छूट जाता है। देखो, मैंने कहा था अर्जुन, मुझे गलती मंजूर है लेकिन बेईमानी नहीं। और मेरी ऑफिस में बियर पी के तुमने बेईमानी की। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे नए दोस्त अपनी पुरानी आदतें छोड़ देंगे? कुछ आदतें कभी नहीं छोड़ती, उन्हें तोड़ना पड़ता है। देखो माया, जो भी हुआ है मुझसे हुआ है, इनकी कोई गलती नहीं, इनको छोड़ दो, मुझे निकाल दो। बेईमानी तीनों ने की है तो सजा भी तीनों को मिलेगी। प्लीज माया, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको छोड़ दो, जो सजा देनी है मुझको दे दो प्लीज। अपनी और इनकी नौकरी बचाना चाहते हो तो तब तक बियर पियो जब तक मैं तुम्हारी गलती ना भूल जाऊं, और मुझे याद रहे तो सिर्फ तुम्हारा डेस्परेशन टू सेव योर जॉब। पियो। अर्जुन, अर्जुन, कहा था ना संभल के रहना। अर्जुन, अर्जुन, पानी चाहिए? पक्का? यू श्योर? राइट, अभी देती हूँ पानी। ये ले। और चाहिए पानी? नहीं। अरे यू लेना प्लीज, 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 नो प्लीज, जस्ट टेक इट। सांझ क्या कर रही हो तुम? लिमिट की भी लिमिट होती है, इतना कौन पीता है यार? पी नहीं, पिलाई गई थी। अच्छा, लेकिन स्टार्ट तो तूने किया था ना ऑफिस में बियर पी के। मैंने? हाँ तूने। यार ऑफिस में बियर कौन पीता है? ऑफिस में क्या बियर की साइन लगी थी यार? वो तो चुप, एकदम चुप, एक वर्ड मत बोलना। हम तो तूने मुझे माया को लेकर कितना डराया था, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर काम ठीक से करोगे ना यार, अगर मैं बियर नहीं पीता वो सबको जॉब से निकाल देती। हाँ तो निकल जाता ना, वैसे भी तुझे माया अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती मतलब? मैं थोड़ी ना ऐसे हार मान जाता उससे। ये फाइट थी फाइट, और फाइट हमेशा जीत के मैदान से निकलती है, तो मैदान तभी छोड़ना चाहिए जब फाइट जीत जाओ, और उसके और मेरे बीच में कुछ भी हो जाए हमेशा मैं जीतूंगा। मैं भाई 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 हैंगो सफा चट करने का सबसे बेस्ट तरीका बियर। आज से मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नाइस आइडिया, एक सेकंड आ, मतलब ये सब बेकार है ना, इनको फेंक। अरे भाई बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, चक्कर आके गिर जाओगे, बहुत नाजुक हालत है आपके। नहीं तो कहाँ लेके जा रहा? कहाँ लेके जा रहा हूँ? मैं लेके जा रहा हूँ डस्की, इस माया की ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। लगता है कि मैंने गलत किया, मैं और क्या करती?
कैसे समझाती उसे, वो समझता ही नहीं है। अब गुस्सा है मुझसे, I'm sorry, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। नहीं रहना यहाँ। मैम जाओ यहाँ से। पर मैडम। जाओ माया, मुझे फिर वो दवाई दे रहे थे, मुझे बाहर जाने से फिर रोक रहे थे। प्लीज माया, मुझे बाहर जाना है। ये कमरा एक जेल बन गया है मेरे लिए। प्लीज मुझे बाहर ले जाओ। चलिए आज आप और मैं बाहर चलेंगे। रियली माया, जो दुनिया आपको अंदर से बैठकर सुंदर लगती है ना, उसी के डरावनी साए से आपको बचाने के लिए ये 5-star जेल बनाया गया है। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद से भी ज्यादा। और अगर आपकी खुशी बाहर जाने में है, तो आपकी खुशी के लिए मैं उन डरावनी सायों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। शाम को रेडी रहिएगा और दवाई भी खा लीजिएगा। अर्जुन रुक। क्या है? रुक ना। अरे रुक ना। क्या है? दस की तू जहां पर भी मंदिर देखेगी वहां गाड़ी रुकवाएगी। थोड़े टाइम के लिए भगवान को भी अकेला छोड़ दो। इतना पकाया, वो भी तेरे को देख के चल दिए। तू साथ है ना इसलिए, वरना मेरी और भगवान जी की बहुत ही स्पेशल सेटिंग है। और भगवान जी ना हर जगह होते हैं, जहाँ आंखें बंद कर लो वो वहाँ आ जाते हैं। लेकिन तू रहने दे। सही बोल रही हो, इस देश में भी सबको यही प्रॉब्लम है, सबको आंख बंद करके भगवान को देखना, समझना किसी को नहीं है। अब चलो मैं लेट हो रहा हूँ। भगवान जी प्लीज इस डफर को ना इग्नोर कर, वो क्या है ना थोड़ा सा, और इसे समझाओ कि अपने काम पे ध्यान दे, टेंशन पे नहीं। कि जो लोग काम में अच्छे होते हैं ना, उन्हें टेंशन की टेंशन कभी नहीं होती। चले। आज ही माया मैडम लेट कैसे हो गई? क्योंकि मैं जो टाइम पे आ गया हूँ। भूखे रहे हैं? पागल हो गए हो? सबके सब पागल हो गए। बैठो भैया, रेट का ही खराब कर रहे हो। मतलब ये कि एक का दो चल रहा है और हमने भी 200 रुपए लगाए। किस चीज के? अरे कि अब कौन निकाला जाएगा तुम्हारी वजह से। चाइना शक्ल थोड़ा ज्यादा है, तो हमारा भी ख्याल रख लेना गुरु।
माया ने मुझे बदनाम करके रख दिया, अब मैं बनाऊंगा माया को। माया मैम आ रही है। Come in. Listen, I know sketching was a bad idea. आपको termination letter देने की जरूरत नहीं, मैं खुद चले जाऊंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा छोटा है, अगली बार थोड़ा बड़ा बनाना, फ्रेम करके रखूंगी। यू मे लीव। पर्शियन लैंड्स के डिजाइन्स रेडी रखना, उन्हें जल्दी भेजना है। आज ओके। ये माया मेहरोत्रा के बर्थ सर्टिफिकेट में उसके फादर का नाम है ही नहीं, और ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, और उसके फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है। बिना डेथ के कोई डेथ सर्टिफिकेट देता है क्या? माया के फादर अभी तक ऑफ नहीं हुए। ऑफ नहीं हुए तो फिर किसी भी पेपर में उनका नाम ही पहले से मना किया गया है। सुना है माँ थोड़ी पागल है, और बाप माँ के पागल बन का कारण है। माया के आसपास सिक्योरिटी इसलिए है कि बाप उस तक ना पहुंच सके। कुछ तो कहानी है बाप बेटी में। ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई भी बिना आईडी के अंदर नहीं आना चाहिए। यस मैम। ये कुछ मिस्टर कपूर के मूवी के स्क्रीनिंग के इनवाइट्स आए थे, आप एक बार देख लीजिए। हाँ मॉम,
मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। कहां जाएंगे? फिल्म देखने? ओके बाय। रात के 12 बजे तक माया मैम को प्रेजेंटेशन मेल करती हैं और हार्ड कॉपीज उनके डेस्क पे। तुम्हारी माया मैडम सोती नहीं क्या? उनका तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो रेड लग गई है। इतनी थक गई हूँ कि फिल्म के फ्री पासेस वेस्ट हो जाएंगे। तुझे चाहिए? माया मैम को अक्सर ऐसे पासेस आते रहते हैं और मैं साथ में एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। वो तो जाती नहीं, उनके बहाने मैं चली जाती हूँ। चाहिए? नेकी और पूछ पूछ? वे, ये तो जनता क्लास है। तेरी माया मैडम को जनता क्लास इनवाइट आते हैं? उन्हें गोल्ड क्लास आते हैं, जिसमें मैं जाती हूँ। ये एक्स्ट्रा वाले अपनी जनता के लिए। ओहो। वो माया मैम के ऑफिस से फोन है। मोबाइल पे? हाँ, आपका फोन वैसे भी कहाँ लगता है। मैं उठा लूँ? अरे बात करो, बात करो। जी बोलिए। ओए होए, बड़ी फॉर्मल शॉर्मल हो रही है, क्या बात है? मूवी चलेगी? कब? कब करना चाहेंगे आप ये काम? लगता है मक्खी आसपास मंडरा रहा है। 8 बजे का शो है, जल्दी निकल जाए अपने काम से। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं 8 बजे पहुंच जाऊं? ठीक है, आप बोल दीजिए माया मैम को कि मैं ना 8 बजे डॉट पहुंच जाऊंगी। हाँ, मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है, चल बाय। थैंक यू। अरे चली वही, क्या बोली क्या बोली वो? सर 8 बजे ऑफिस में बुला रहे, तो मैं जल्दी निकल जाऊं क्या? अभी जाओ, लेट मत होना, वहां जाके वेट करो, समझे? थैंक यू सर। बचे हैं, अरे किसी को तो निकलवाओ। अरे मेरे 200 का सवाल है, तुम्हारी भी इज्जत का सवाल है गुरु। कम इन। प्रेजेंटेशन। कीप इट। It's okay. My... What? ये गुस्सा होके क्यों चली गई? लगी मुझको है गुस्सा होके ये मैडम गई है। नहीं 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 नहीं, गलती तो मेरी है, सॉरी तो मैं ही बोलूंगा, ये मेरा जॉब है। हे भगवान, आप अपने भक्तों को क्या क्या सिखाते हो, इसको क्यों नहीं कुछ सिखाते हो, जैसे कि सॉरी, थैंक यू, वेलकम? हाँ, कुछ तो सिखाओ उसको। माया मैम को अक्सर ऐसे पासेस आते रहते हैं, वो तो जाती नहीं, उनके बहाने मैं चली जाती हूँ। यस, इनफैक्ट भगवान जी, माया तो कहती है वो सॉरी कहने में बिलीव नहीं करती, वो दिखाने में बिलीव करती है। और एक गोल्ड क्लास की टिकट देकर मुझे भर भर के सॉरी बोल रही हो। ओके भगवान जी, फिर मिलते हैं, पर मैडम को कुछ सिखा देना। ओके बाय। क्या किया? किसने? आजकल इस ऑफिस में करने वाले सिर्फ तुम हो और भरने वाले हम सब।
माया मैम घर चली गई है और कहा है कि प्रेजेंटेशन रात के 12 बजे तक उन्हें पहुंच जानी चाहिए। ओके मैडम की छोटी मैडम। रामप्रसाद माया मैम के जो डेस्क पे टिकट्स हैं उन्हें अभी के अभी उनके घर पहुंचा दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.